नमस्कार दोस्तों, वोकैबुलरी अगेन वी आर हियर विद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बट दिस टाइम इस समय हम वो वर्ड्स देख रहे हैं जो ये डिनोट करते हैं कि किसी प्रोफेशन का वन वर्ड क्या होगा या किसी के ट्रेड्स का वन वर्ड क्या होगा। ट्रेड्स माने विशेषताएं, किसी व्यक्ति की एक पर्टिकुलर विशेषता होगी तो उसको वन वर्ड में कैसे बोला जाएगा, या कोई एक प्रोफेशनल है, वो कोई कार्य करता है, प्रोफेशन है उसका, तो उस प्रोफेशन को क्या बोला जाता है एक शब्द में, हम ये सीखेंगे। अब ये कैसे आएगा आपके एग्जाम में, चाहे वो पैसेज में आए, चाहे वो सिनोनिम्स में आए, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आए, तो कैसे बताऊंगा मैं आपको, वो आप ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लर्न इंग्लिश इजीली चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसका टॉपिक का जो पीडीएफ होगा वो टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के लिंक से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या चैनल के डिस्क्रिप्शन से इजीली मिल जाएगा। दोस्तों आइए समय की बर्बादी नहीं करते हैं और आज शुरू करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो डिनोटिंग प्रोफेशन और ट्रेड्स को कवर कर रहे हैं। आइए देखिए, एग्जोसिस्ट का मतलब होता है बुरी आत्मा का विशेषज्ञ, ठीक है, एन एक्सपर्ट ऑन एविल स्प्रेड। फिर दूसरा वर्ड है, बहुत बार आया है ये वर्ड, यूजप, अनाधिकार ग्रही, मतलब फोर्सफुली या रॉन्गफुली इलीगली किसी की प्रॉपर्टी को हड़प लेना, छीन लेना। मेजर यानी मुख्य, द हेड ऑफ टाउन काउंसलर और कॉरपोरेशन। पोएट, देखिए कविता लिखने वाला, वन हु राइट पोएट्री। नॉवलिस्ट, उपन्यासकार, वन हु रोट नॉवल। ऑथर, लेखक, रचयिता, वन हु राइट बुक। तो अभी आपने देखा कि पोएट, नॉवलिस्ट और ऑथर का। अब आगे है डोटेज यानी कमजोरी, सठियापा या मति छीनता, जो नॉर्मली बूढ़े अवस्था में होता है, ठीक है, इसको आप डोटेज बोलते हैं। दोस्तों कलर चूज कर लें ताकि आपको समझाने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। इफ यू डोंट माइंड प्लीज बियर इट विद मी। देखते हैं कलर आ रहा है नहीं आ रहा है आज, क्योंकि इसे जो पेस्ट किया है इससे कलर आने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, पर कोई बात नहीं, अगर कलर नहीं आएगा तो हम ऐसे ही आगे पढ़ेंगे, उसको देखने में कोई हर्ज नहीं है। तो नहीं आएगा दोस्तों आज कलर, सॉरी फॉर दैट। डोटेज, कमजोरी, सठियापा पढ़ लिया। ट्रेटर, गद्दार, विश्वासघाती, वन हु बिट्रेज, ठीक है। आगे है आपका बमकन, देहाती, गंवार, अनसिविलाइज भी बोल सकते हो आप लोग, वन हु कम्स फ्रॉम अ विलेज एंड कंसिडर्ड स्टूपिड। अपोस्टेड, जो धर्म को त्याग कर देता है, धर्म त्यागी, वन हु डिजर्ट हिज रिलीजन। फिलिस्टीन, संस्कृति विमुख या अशिक्षित, वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर। इवेजिव, कपटी, अनिश्चित, वन हु डज नॉट टेक डेफिनेट स्टैंड। आगे देखिए, रेनेगेड, धर्म न मानने वाला, अ पर्सन हु डिजर्ट एंड बिट्रेज एन ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री और सेट ऑफ प्रिंसिपल। पावेनु, अल्प समय में बहुत धन या प्रभावशाली हो जाने वाला अज्ञात कुल का व्यक्ति, वन हु हैज सडनली गेन न्यू वेल्थ। दोस्तों ये वर्ड वो क्लब किए हुए हैं जो एग्जाम में रिपीटेडली आए हुए हैं, चाहे वो एसएससी सीपीओ हो, चाहे एसएससी एमटीएस का होता था, स्टेनोग्राफर का होता था, या एसएससी सीजीएल हो, उनमें ये वर्ड आते ही आते हैं, रिपीटेडली आते हैं। एक साल छोड़ के दूसरे साल आ जाएंगे या दो साल छोड़ के तीसरे साल आ जाएंगे, इसलिए इन वर्ड पे ज्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है। प्लीज इसको एक बार देख लीजिएगा, आपका आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप देखेंगे, हमने इसे कई तरीके से तोड़ के समझाने की कोशिश की थी, प्लस सिनोनिम्स का पार्ट भी लगभग कंप्लीट हो जाएगा। सिनोनिम्स के ऊपर एक वीडियो आएगा आप लोगों के लिए, जिसका पूरा पीडीएफ बना के मैं आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक पर डाल दूंगा, वहां से आप अगर प्रिंट आउट लेंगे या डाउनलोड भी कर लेंगे तो आपको रिविजन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। जोमिनिज्म, ये होता है अंध देशभक्त, वन हु हैज अनरीजनिंग एंथुजियाज्म फॉर द ग्लोरिफिकेशन ऑफ वन कंट्री। केकोग्राफिक,
बुरी लिखावट, अशुद्ध या स्पेलिंग मिस्टेक जो ज्यादा करता है, वन हु इज बैड इन स्पेलिंग। इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, इंट्रो माने इन माने अंदर समझ लीजिए तो याद करना आसान हो जाएगा। वन हु इज मोर इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ, खुद में ही ज्यादा इंटरेस्ट होता है उसका। एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी, वन हु इज मोर इंटरेस्टेड इन अदर। और इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं, इंट्रोवर्ट मतलब अपनी बातों को अंदर ही रखता है, एक्सट्रोवर्ट माने वो बिना देखे बातें बोल देता है। मेडियोकर सामान्य, वन हु इज नीदर इंटेलिजेंट नॉट डल। एलन विदेशी, वन हु इज नॉट द सिटीजन ऑफ अ कंट्री। मेटिकुलस सावधान रहना, वन हु इज वेरी केयरफुल एंड पर्टिकुलर। डैंडी छैला आकर्षक, वन हु पेज टू मच अटेंशन टू हिज क्लोथ एंड अपीयरेंस। आगे देखिए दोस्तों, मलिंग्रा इसका मतलब है जी चुराने वाला, जो बीमारी के बहाने से ड्यूटी से बचे। वन हु प्रिटेंड्स इलनेस टू एस्केप ड्यूटी। इन्फिल्ट्रेटर घुसपैठिया, जैसे पाकिस्तान घुसपैठिया भेज रहा है बोलते हैं तो आपको याद हो जाएगा इन्फिल्ट्रेटर, J&K में इन्फिल्ट्रेशन हो गई, अब आपको याद हो जाएगा, ठीक है। वन हु स्नीक्स इनटू अ कंट्री, घुसपैठियों को बोला जाता है। पॉलीक्लोट जो एक से ज्यादा भाषा जानता है, वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, ठीक है। लिक्वेशियस यानी वाचाल, टॉकेटिव, वन हु टॉक कंटिन्यूसली। सिनेक दोषदर्शी, जो सिर्फ दूसरों की दोषों को देखता है। मानवद्वेषी, वन हु थिंक ह्यूमन नेचर इज एविल। तो आपने अभी 27 वर्ड किए हैं। आगे देखिए, इटिनरेंट परिभ्रमण करने वाला, वन हु ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पे घूमता रहता है जो, ठीक है। आगे आइए दोस्तों, सेडिस्ट परपीडक यानी हु वांट टू सी अदर्स अनहैप्पी, जो दूसरों को दुखी देखना चाहता है। डिसिपल शिष्य अनुयायी, वन हु वर्क्स इन रिटर्न फॉर बीइंग टॉट द ट्रेड। ऑनरेरी सम्मान सूचक अवैतनिक, वन हु वर्क्स विदाउट गेटिंग एनी सैलरी। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ही हैज बीन रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी एज एन ऑनरेरी कैप्टन बोलते हैं, ठीक है। तो वो एक सम्मान सूचक पद दिया हुआ होता है। रिबट खंडन करना, रोकना, अपोजिंग आर्ग्यूमेंट, ठीक है दोस्तों। स्टोइक संयमी उदासीन, पर्सन डिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, जिसे जो संयमी है उदासीन है, जिसे सुख दुख का कुछ अनुभव नहीं होता है। मोनोमैनिक का मतलब उन्माद से है, पर्सन ओबेस्ड विद वन आइडिया और सब्जेक्ट। इम्पोस्टर धोखेबाज, ढोंगी थोपना, पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट, मतलब ढोंगी है, जैसा दिखता है वैसा नहीं है, ये समझ लीजिए, काम आएगा ये वर्ड। पैगन्स मूर्ति पूजक, गैर ईसाई मतलब जो मूर्ति की पूजा करता है, पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन। वैसे इसे मूर्ति पूजक भी बोला जाता है, आप ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, पर्स खजांची, पर्सन हु होल्ड स्कॉलरशिप एट एन यूनिवर्सिटी। हिप्पी का मतलब क्या है, उत्साह इन, जिस पे कोई उत्साह ना हो। पर्सन हु इज अगेंस्ट ऑर्डिनरी सोसाइटी स्पेशली ड्रेसिंग। मालकंटेंट असंतुष्ट होना, पर्सन हु इज ऑलवेज डिससेटिस्फाइड। स्केप कोट बलि का बकरा बनाना, अब इसमें तो बिल्कुल क्लियर है, बेचारे बकरे की बलि दी जाती है, उसकी तो कोई गलती नहीं होती, तो इसीलिए ये शब्द का इस्तेमाल होता है। स्केप कोट मतलब बगैर गलती के किसी के ऊपर इल्जाम लगाना, और उसे ये बोलते हैं पर्सन हु इज मेड टू बियर द ब्लेम, जिसे ब्लेम किया जाता है कि इसके कारण ही ऐसा हुआ है या ये बुरा है, पर वो असल में उसका गुनहगार नहीं होता है, उसकी गुनाह नहीं होती है। रेक्लूज एकांतवासी, पर्सन हु लीव अलोन एंड अवॉइड अदर पीपल। आई थिंक इतना आपको क्लियर है। स्थित सौंदर्य पासक, पर्सन हु लव्स नेचर, जो पर्यावरण से, नेचर से, नेचुरल चीज से प्यार करता हूं।
चार्लटन मायावाई, नीम हकीम झूठा वैद्य माउंट बैंक, ठीक है, माउंट बैंक का मतलब ये होता है पर्सन हु प्रिटेंड टू हैव मोर नॉलेज, हॉर्टिकल्चरलिस्ट बागवानी का विशेषज्ञ, वन हु हैज ए स्पेशलिटी इन गार्डनिंग, स्कैवेंजर सफाई करने वाला, वन हु क्लीन द स्ट्रीट, बट इस स्कैवेंजर को, वल्चर को भी स्कैवेंजर बोला जाता है, गिद्ध को, जैसे वो मांस मछली खा के या सड़ा हुआ खा के पर्यावरण की सफाई करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, यूजर साहूकार, वन हु लेंड्स मनी एट एग्जॉर्बिटेंस इंटरेस्ट, एग्जॉर्बिटेंस का मतलब बहुत हाई, ठीक है। टैनर चमड़े का काम करने वाला, वन हु कन्वर्ट रो इनटू लेदर, ऑक्यूलिस्ट नेत्र चिकित्सक, वन हु अटेंड टू द डिजीज ऑफ द आई, ऑब्स्टेट्रिशियन प्रसूति रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन हु डिलीवर बेबीज, गायनेकोलॉजिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ, वन हु ट्रीट फीमेल प्रॉब्लम, ऑप्टिशियन चश्मे बेचने वाला, वन हु टेस्ट आई साइट एंड सेल्स स्पेक्टिकल्स, फिजिशियन यानी चिकित्सक, वन हु अटेंड टू सिक पीपल, सर्जन शल्य चिकित्सक, जो वन हु ट्रीट डिजीज बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशन, डेंटिस्ट दंत चिकित्सक, जो वन हु अटेंड टू द टीथ प्रॉब्लम, साइकोलॉजिस्ट मनोचिकित्सक, वन हु स्टडीज द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन माइंड, ऑडियोलॉजिस्ट कान रोग विशेषज्ञ, वन हु ट्रीट डीफ और म्यूट टू लर्न टू कम्युनिकेट, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे ना थोड़ा चिकित्सक में कित्सक हो गया है, ये टाइपो एरर है, इसको नजरअंदाज कर दीजिएगा और इसे चिकित्सक करेक्ट कर लीजिएगा जब आप प्रिंट आउट लेंगे, ये दो जगह एरर हो रखा है, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग करते करते आज ज्यादा हो गया था। आइए, कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ, वन हु ट्रीट हार्ट डिजीज, डर्मेटोलॉजिस्ट चर्म रोग विशेषज्ञ, जो स्किन के बारे में पढ़ता है, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ता है, स्किन के चमड़े के और उसके बीमारी के बारे में पढ़ता है, ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर रोग विशेषज्ञ हु ट्रीट्स कैंसर पेशेंट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आंख रोग विशेषज्ञ जो आंखों के प्रॉब्लम के बारे में पढ़ता है, सर्जरी करता है और आंखों को ठीक करता है लोगों को, पेल पैथोलॉजिस्ट पुरानी बीमारियों का इलाज करने वाला, वन हु स्टडीज ऑफ एंशियंट डिजीजेस, पीडियाट्रिशियन बाल रोग विशेषज्ञ, वन हु ट्रीट प्रॉब्लम ऑफ इन्फेंट्स चिल्ड्रंस बेबी, वेटरनरी जानवरों का जो चिकित्सक होता है, वन हु ट्रीट एनिमल्स, लेपिडरी लेपिडिस्ट मूर्तिकार, वन हु कट प्रेशियस स्टोन, जर्नलिस्ट रिपोर्टर और करस्पोंडेंट, ये तीनों आप संवाददाता कैटेगरी में लिख सकते हैं, वन हु राइट फॉर द न्यूज़पेपर, कंपोजिटर यानी संयोजक, वन हु सेट टाइप ऑफ बुक, आर्किटेक्ट निर्माता शिल्पकार, वन हु डिजाइन ऑफ बिल्डिंग, ड्राफ्टमैन मानचित्र जो बनाता है, वन हु ड्रॉ प्लांट्स, फ्लोरिस्ट फूल बेचने वाला, वन हु डील इन फ्लावर्स। आगे देखते हैं दोस्तों, आइए, फ्रूटर फल बेचने वाला, वन हु डील इन फ्रूट्स, ड्रोवर जानवर बेचने वाला, मवेशियों को बेचने वाला, वन हु डील इन कैटल, ड्रेपर जुला, वन हु डील इन क्लोथ्स, जियोलॉजिस्ट भूविज्ञानी, ठीक है, वन हु स्टडीज रॉक एंड सॉयल, एंथ्रोपोलॉजिस्ट रूट वर्ड को याद करिए, एंथ्रो को किससे जोड़ा था, मानव से, तो सीधा क्लियर हो जाता है मानव विज्ञानी, वन हु एवेल्युएट द मैनकाइंड, आर्कियोलॉजिस्ट पुरातन विज्ञानी, वन हु स्टडीज द पास्ट थ्रू ऑब्जेक्ट लेफ्ट बिहाइंड, कार्टोग्राफर मानचित्र बनाने वाला, वन हु ड्रॉज मैप्स, स्टेनोग्राफर आशुलिपिक, वन हु राइट बाय शॉर्ट हैंड, एस्ट्रोनॉमर ज्योतिषी विज्ञानी, वन हु स्टडीज अबाउट द स्टार, एस्ट्रोलॉजर भविष्य बताने वाला, देखिए एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजर में कंफ्यूज मत होइएगा, वन हु फोरटेल्स यानी भविष्यवाणी करता है थिंग्स बाय द स्टार, एस्ट्रोडोम ये एक हवाई जहाज के शीर्ष पर एक पारदर्शी गुंबद होता है जहां से चलाने वाले को आकाशीय अवलोकन करने का मौका मिलता है या जहां से वो करता है, अ ट्रांसपेरेंट डोम ऑन द टॉप ऑफ एन एयरप्लेन वेयर द नेविगेटर कैन मेक क्लिस्टल ऑब्जर्वेशन। आइए आगे चलते हैं, वर्ड नंबर 81, लेक्सिकोग्राफर
शब्दकोश बनाने वाला वन हू कंपाइल्स अ डिक्शनरी, पायलट जो जहाज उड़ाता है वन हू फ्लाइज एन एरोप्लेन, जगलर जादूगर, कंज्यूरर जादूगर, एक्रोबेट कलाबाज। ये तीन वर्ड को फिर हमने क्लब करके लिखा है ताकि आपको कोई डाउट ना हो। कलाबाज का देखिए, वन हू परफॉर्म डेयरिंग जिम्नास्टिक फेट, और जादूगर जो होता है वो मैजिक दिखाता है, ठीक है। हॉकर और पेडलर फेरी लगाने वाला, वन हू ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर सेलिंग हिज वेयर, एक जगह से दूसरे जगह जा जाकर जो अपना सामान बेचता है उसे हॉकर या पेडलर बोलते हैं। इन्विजिलेटर परीक्षक, वन हू वॉच ओवर ए स्टूडेंट टेकिंग एन एग्जामिनेशन। फिर आया दोस्तों लाइब्रेरियन, पुस्तकालय अध्यक्ष, अ पर्सन इन चार्ज ऑफ लाइब्रेरी। दोस्तों आज हमने वो 88 वर्ड पढ़े हैं जो एग्जाम में रिपीटेडली आए थे। प्लीज आप इसका प्रिंट आउट लेके पढ़ लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा। वर्ड बहुत आसान है, कोई तकलीफ नहीं है, ये एक टाइप का प्रैक्टिस था आपका, ठीक है। इसको तैयार करके आप जरूर बताइएगा कि ये वर्ड्स आपको कैसे लगे और कितने इम्पोर्टेंट लगे। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन में आपको पता चल जाएगा कि नया वीडियो अपलोड हुआ है और एक भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही, अब मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।